हेलो जी, मेरा नाम है ललित और आज हम करने वाले हैं गलियां सॉन्ग का कंपैरिजन, क्योंकि एक विलन मूवी से ज्यादा इस मूवी का ये गाना यानी कि गलियां सॉन्ग चला था। तो मेकर्स अगर एक विलन रिटर्न बना रहे हैं तो इस गाने को रिक्रिएट करना तो बनता है। गलियां सॉन्ग मेरी एज वालों के लिए सिर्फ एक गाना नहीं था बल्कि एक इमोशन था जिसे हम अभी भी कभी कभार सुन लेते हैं। तो किसी भी गाने को कंपेयर करने के लिए कुछ चीजें होती है जैसे लिरिक्स, वाइब, म्यूजिक और वीडियो। तो आज हम इन्हीं चीजों की मदद से इस गाने को कंपेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं गाने की वाइब से। तो ओरिजिनल वाले गाने की वाइब भाई बहुत ही औसम थी, आप इस गाने को कभी भी सुन सकते थे। ओरिजिनल सॉन्ग को गाया था अंकित तिवारी ने और भाई उन्होंने खेल मचा दिया था अपनी सिंगिंग से। ओरिजिनल सॉन्ग बिल्कुल एक कंप्लीट गाना लगता है। वहीं अगर हम बात करें इसके रीमेक वर्जन की तो इस गाने में इमोशंस की कमी लग रही है। ये गाना बिल्कुल पहले वाले से बहुत अलग है। यहाँ पे गाने को सुनकर बिल्कुल स्टड वाइब आ रही है। तो अगर आपको इमोशनल सॉन्ग पसंद है तो यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग जीतता है, और अगर आपको रॉक या स्टड सॉन्ग पसंद है तो रीमेक वर्जन। वैसे देखा जाए तो गलियां सॉन्ग एक इमोशनल सॉन्ग था। दूसरा फैक्टर आता है लिरिक्स का। तो भाई इस कैटेगरी में बिना बोले ही हम सब जानते हैं कि ओरिजिनल सॉन्ग जीत गया है, जबकि इन दोनों के लिरिक्स मनोज मुंतशिर ने ही लिखे हैं और सेम ही सिंगर ने इन दोनों गानों को गाया है, मतलब कि अंकित तिवारी ने ही। लेकिन स्टिल इन दोनों गानों में जमीन आसमान का फर्क है। अब बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी यानी कि म्यूजिक के बारे में। तो देखा जाए तो रीमेक वाला सॉन्ग जो हमने अभी सुना है वो पूरा नहीं है, लेकिन ओरिजिनल वाला हमने पूरा सुना है। तो म्यूजिक के मामले में भी ओरिजिनल सॉन्ग आगे है, क्योंकि ओरिजिनल सॉन्ग एक कंप्लीट सॉन्ग लग रहा है जबकि रीमेक वर्जन का म्यूजिक कुछ अलग चल रहा है, और उसी वजह से इस गाने में वो वाली बात नहीं आ रही। तो हाँ, म्यूजिक के मामले में भी ओरिजिनल सॉन्ग ही आगे है। रीमेक वर्जन में सब कुछ रॉक म्यूजिक जैसा लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर इमोशंस की कमी है और गलियां सॉन्ग है ही इमोशनल। मैं सच बताऊं तो रीमेक वर्जन को देखकर मुझे श्रद्धा और सिद्धार्थ की याद आ रही थी। अब बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। तो भाई देखो, रीमेक वर्जन में हमें बहुत सारे इंटीमेटेड सीन्स दिख रहे हैं, तो शायद मेकर्स के दिमाग में ये होगा कि इंटीमेटेड सीन्स दिखा दो सब कुछ चल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ओरिजिनल गाने की वीडियो इस गाने से 100 गुना अच्छी लगी, क्योंकि वही सेम बात उस गाने में इमोशंस को बहुत अच्छे से दिखाया था और यहाँ पर सिर्फ इंटीमेटेड सीन्स चल रहे हैं। तो गाइज, ये था एक छोटा सा कंपैरिजन गलियां सॉन्ग का। आई होप आप ज्यादा ऑफेंड ना हुए हो, क्योंकि सबकी अपनी पसंद होती है। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने बता दिया। अब आपको इन दोनों गानों में से कौन सा गाना पसंद आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। We'll be right back.